नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गोरखपुर में सीएम योगी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना दिवस पर पहुंचे और जहां सीएम योगी ने बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सब जानते हैं कि 1932 में महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने उत्तर प्रदेश शोषित पुनर्जागरण को लेकर संभाग नागरिकों की एक टीम खड़ी की थी और जिसके बाद महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हुई और आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस समय बहुत सारे लोगों ने मन में ये कहा था कि देश आज़ाद होगा या नहीं, लेकिन एक सन्यासी, एक योगी कभी भी नकारात्मक भाव के साथ नहीं रह सकता है और हमेशा सकारात्मक भाव के साथ चलता है। सन्यासी का कार्य पुरुष स्वार्थ करना, कर्म करना है और उन्हें परिणाम की चिंता नहीं रहती है और इसी भाव से किया और कोई भी कार्य निश्चित रूप से सफलता दिलाती है। 1932 में एक छोटा सा पौधा जागृत किया गया था जो 15 साल के बाद आज़ाद भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हुआ था। आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद 4 दर्जन से भी ज़्यादा शिक्षण संस्थाओं का संचालन कर रहा है और पूरे प्रदेश के शैक्षिक संस्थाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हुई उस समय महंत दिग्विजय नाथ महाराज जी देश की स्वाधीनता के लिए मौजूद थे। महाराणा प्रताप वीरता की मूर्ति थे और महाराणा प्रताप वीरता के लिए जाने जाते थे, इसलिए महाराणा प्रताप के पराक्रम के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और आज हमें प्रसन्नता है कि महाराजा प्रताप शिक्षा परिषद अभियान सभी शिक्षण परीक्षण संस्थाओं की मदद से एक धार्मिक संस्कृति कार्य कर रहे हैं और राज्य देश के प्रति अपनी दायित्व को पूर्ति कर रहे हैं। नागरिक सुरक्षा विभाग के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश अनुसार नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर साप्ताहिक कार्यक्रमों के अंतर्गत स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल में भूकंप आपदा से बचाव को एक अभ्यास और प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौके पर आग को रोकने के लिए और ऊपरी मंजिल पर कोई भी हादसा होने पर ऊपर से किसी तरह कैजुअल्टी को उतारा जाता है और स्कूली छात्रों को डेमोनेशन के करके ही बताया जाता है। कार्यक्रम में स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल के प्रबंधक उस्मान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 6 दिसंबर को सिविल डिफेंस डे प्रोग्राम होता है। 60वां सिविल डिफेंस प्रोग्राम हम इस बार 6 दिसंबर को बनाने जा रहे हैं, 6 दिसंबर 2022 को। उस पे पूरे एक सप्ताह कार्यक्रम हम रखते हैं, चाहे ब्लड डोनेशन हो, रैली हो, वाद-विवाद प्रतियोगिता हो, मॉक ड्रिल हो। हम कैसे सिविल डिफेंस के प्रति लोगों को जागरूक करें, कैसे हम उनको समझाएं कि कोई आपदा आ गई तो किस तरह से बचाव कर सकते हैं, उसको लेके हम वैसे तो पूरे साल करते हैं, लेकिन आज सिविल डिफेंस के प्रोग्राम की कड़ी में एक स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल है यहाँ पे, इनके जो प्रबंधक है उस्मान जी, उन सबने निवेदन किया था कि हम मॉक ड्रिल करना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को स्टाफ को बताना चाहते हैं घर में आग लग जाए, भूकंप आ जाए या कोई इमारत गिर जाए तो आप कैसे बचाव कर सकते हैं। उसके लिए हमारे सिविल डिफेंस के वार्डनों ने कई दिनों से चल रहे बिजली कर्मचारियों के हड़ताल और लाइन फॉल्ट के कारण लगातार बिजली कटौती जारी है और बिजली कर्मचारियों का हड़ताल तो खत्म हो गया है और बता दें आपको कि ग्रामीण इलाका इससे पिछले कई दिनों से अघोषित कटौती से जूझ रहा है और इसी अघोषित बिजली कटौती के विरोध में समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर विरोध जताया है। समाजवादी पार्टी से गैंडसड़ी विधायक और पूर्व मंत्री एसपी यादव की अगुवाई में कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व मंत्री एसपी यादव ने कहा है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है और जिसके कारण किसानों के धान की कटाई नहीं हो पा रही है और किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है, वहीं दूसरी बिजली कर्मी बकाया बिल वसूलने के नाम पर उपभोक्ताओं को परेशान कर रहे हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि गांव में बिजली के न आने के कारण जंगल से सटे गांव से ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर है, अंधेरे का लाभ उठाकर तेंदुआ बच्चों को अपना निशाना बना रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही बिजली की आपूर्ति नहीं सुधारी गई तो किसानों को परेशान करना
नहीं किया जाए और इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या के साथ ही धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया जाएगा। और वहाँ अंधेरा होने के कारण जो है जंगल एरिया में भी दो गांव है, जैसे आपका बिशनपुर कॉर्नर है, रमुआपुर है, मजमापुर है, से लेकर यहाँ बिरूनी और टेगनवार पूरा एकदम आतंक है। पूरा जितने भी ग्रामीण गांव के लोग हैं सब दहशत में हैं तेंदुओं के आतंक से। तो इस समय बिजली की कटौती कारण जो है सबसे बड़ी बात है कि लोगों के जान को खतरा भी पैदा हो गया है। लोग अपनी जो है किसान सिंचाई जो हमने बताया मोबाइल तक नहीं चार्ज हो पा रहा है, इसलिए किसी बात हो जाए कि अपनी बात कोई दुख तकलीफ बता दें। और जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं, चाहे अधीक्षण अभियंता हो, चाहे चीफ इंजीनियर हो, चाहे अधिशासी अभियंता हो या अवर अभियंता या जेई हो, सबके जो है मोबाइल स्विच ऑफ है। तो नतीजा है कि आज पूरा जो है एकदम त्राहि त्राहि। एक तरफ तमाम किसानों यूरिया और डीएवीपी की किल्लत से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खाद गोदामों में तैनात कर्मी और अधिकारी अपनी भ्रष्ट नीति से बाज नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में उर्वरक घोटाला किए जाने का मामला सामने आया है और इस घोटाले में लिप्त गोदाम प्रभारी और भंडार सहायक फरार चल रहे हैं। मामला जिला मुख्यालय पर पीसीएफ गोदाम से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर गोदाम में रखी गई 515 बोरी अवरक का गबन कर लिया गया है और इस मामले का खुलासा जांच टीम ने किया है। तो गोदाम के कर्मी वहां पर ताला लगाकर भाग गए हैं और जांच के टीम ने गोदाम पर ताला लगा दिया है और इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को दे दी गई है। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भंडार सहायक वीरेंद्र कुमार कठेरिया और गोदाम प्रभारी मनोज कुमार के विरुद्ध केस दर्ज कराने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया है। जिलाधिकारी के निर्देशों पर काम करते हुए बलरामपुर पुलिस ने कोतवाली देहात की पुलिस ने दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध गबन का केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक नर्मदा श्रीवास्तव ने बताया है कि डीएम के निर्देश पर केस दर्ज किया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। जल्द से जल्द मामले की जाँच करके दोषियों को जेल भेज दिया जाएगा और अन्य पर भी कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ बलरामपुर से संवाददाता योगेंद्र विश्वनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, घोटाले का मामला सामने आया, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बलरामपुर जिले में पीसीएफ की गोदाम है, जहां पर जो है खाद आते हैं, यानी कि जो उर्वरक आते हैं उन्हें स्टोर किया जाता है। और ये जो खाद आता है इसे स्टोर करने की जिम्मेदारी गोदाम प्रभारी की होती है और पीसीएफ के जो अधिकारी होते हैं उनकी होती है, ताकि किसानों तक खाद जो है आसानी से पहुंच सके। लेकिन पिछले दिनों आई बाढ़ और अन्य कारणों के कारण गोदाम काफी दिनों तक बंद रहे और खाद की किल्लत जिले में लगातार बनी रही, क्योंकि गेहूं के बुआई का मौसम है और गन्ना भी कट रहा है, तो गन्ना भी बोया जाएगा तो उसमें भी खाद की जरूरत पड़ती है। जी, किसान तो लगातार चक्कर लगा रहे हैं खाद गोदामों का, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक मामला सामने आया कि बलरामपुर जिले का जो मेन पीसीएफ गोदाम है, वहां से 515 बोरी खाद जो है गायब हो गई, जिसमें यूरिया और डीएवीपी है। तो ये इसकी जब इस बात का जब पता चला जिला अधिकारी और अन्य अधिकारियों को, तो उन्होंने जांच कमेटी गठित की, जिसके बाद जो है ये पूरा मामला खुल सका है और जो यहाँ दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उनकी अब खोज की जा रही है, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, 5000 बोरी का मामला है। और अगर इसके कंट्रोल प्राइस को ही देखा जाए तो ये मामला तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए का है। तो ऐसे में जो ये खाद गायब किया गया गोदाम से, वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो खाद किसानों को मिलना चाहिए या जो काश्तकार है उन्हें मिलना चाहिए, वो इन किसानों को ना मिलके अगर ब्लैक मार्केट में ब्लैक किया जा रहा है तो ये गलत बात है और ये कहीं ना कहीं एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात है। जी बिल्कुल योगेंद्र, जिस तरह से बताया जा रहा है कि इसको लेकर किसान भी प्रदर्शन करने के मूड में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, किसानों के पास देखिए अभी तो बुआई का मौसम है, अभी गेहूँ बड़े पैमाने पर बोया जा रहा है, क्योंकि बलरामपुर जिले में धान की जो फसल थी वो पूरी तरह से खराब हो गई और जो दिक्कतें रही किसानों के साथ वो बड़े पैमाने पर बाढ़ के कारण रही हैं।
तो जिला प्रशासन ने सुनिश्चित करना चाहिए, जिला प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को इस तरह की दिक्कत ना हो कि उन्हें खाद की किल्लत को भी झेलना पड़े, एक तरफ बाढ़ की मार, एक तरफ फिर उससे पहले सूखे की मार, फिर बाढ़ की मार और फिर जो है खाद की किल्लत। तो इस तरह से किसानों का एक तरह से कमर टूट जाएगा। तो ऐसे में जिन अधिकारियों के ऊपर ये जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं और वो भ्रष्टाचार और चोरी पर आमादा है। जी बिल्कुल योगेंद्र, जो इसमें आरोपी अधिकारी है उन पर क्या कुछ कार्रवाई अब हो सकती है? देखिए कोतवाली देहात में मामला पंजीकृत कर लिया गया है और अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया था कि जो है हम लोग इस मामले में स्वर्ट डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि खाद की किल्लत जो है वो कतई नहीं होनी चाहिए और जो यहाँ पे किसान है उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए सब डिसीजन ले रहे हैं और जल्द से जल्द जो जांच जो टीम है पुलिस की वो उन्हें गिरफ्तार करके जो है जेल भेजेगी। जी योगेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बलरामपुर में स्वच्छ नगर सदर नगर का सपना साकार हो रहा है, जहां पर तुलसीपुर नगर को सुधर चौराहा मिला है। आपको बताते चले कि डीएम एसपी नगर पंचायत अध्यक्ष विधायक तुलसीपुर ने चौराहे का उद्घाटन किया है। डीएम महेंद्र कुमार ने चौराहे का नामकरण किया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अब बलरामपुर चौराहा देवी पाटन कलश चौराहे के नाम से जाना जाएगा। तुलसीपुर नगर पंचायत द्वारा 5.5 लाख की लागत से सुंदरीकरण करवाया गया है। बलरामपुर में संरक्षित वन्य क्षेत्र में अवैध कटान नहीं थम रहा है और लकड़ी माफिया अब भी कटान करके ट्रॉली पर लकड़ी का बोटा लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि बरहवा और बनकटवा वन्य रेंजू से ये तस्वीरें सामने आई हैं, आम बताई जा रही हैं। लकड़ी माफिया सैकड़ों हरे पेड़ों को काटकर अपनी जेब भर रहे हैं। आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों के विरोध के बाद भी वन क्षेत्र से अवैध कटान नहीं थम रहा है। जिले के 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सुहेल देव वन्य जीव अभयारण्य फैला है और वहीं वीडियो हरिया सतघरवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर ये पेड़ कटान दिखाई दे रहा है। और लगातार हमारे साथ योगेंद्र विश्वनाथ बने हुए हैं। योगेंद्र, पेड़ की कटाई का मामला सामने आया है, जिले में अवैध कटान हो रहा है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो बलरामपुर जिले का एक बहुत अहम पार्ट है जो नेपाल सीमा से जुड़ा है। कुल 9 रेंज पड़ते हैं इस जंगल में और ये जो जंगल है वो इतना बृहद है, इतना अच्छा है कि यहाँ पर तमाम जंगली जीव और तमाम जानवर रहते हैं, लेकिन इसका जो अवैध कटान हो रहा है इस पर वो लगातार इसके कारण सिकुड़ता जा रहा है। यहाँ पर जो अवैध कटान है, वन माफिया है, वो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और आप जो विजुअल्स है हमारे पास वो उसमें आप देख सकते हैं कि लगातार ये वन माफिया जो है इस तरह से पेड़ों को काट कर जो है उन्हें बेचते हैं और इस तरह से वन संपदा को ये नुकसान पहुंचाते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये बलरामपुर और श्रावस्ती सीमा से सटा हुआ जो सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य है इसमें 9 जो है रेंज पड़ते हैं, जिसमें बरावा, बनकटवा, जनकपुर, तुलसीपुर, भांबर व रामपुर रेंज है और इसके तकरीबन 150 गांव जो आसपास हैं जंगल के ये भी बसे हुए हैं जिन्हें वनटांगिया ग्राम कहते हैं। जो लकड़ी माफिया वो लगातार नेपाल से और जो ये 150-200 गांव है वहां से जुड़े हुए हैं और वहां से ही ये निकलते हैं और जंगल को काटते हैं, फिर उसके बाद जो है ट्रैक्टर ट्रॉली पे लोड करवा के जो है अन्य बाजारों में भेज देते हैं बेचने के लिए। तो इस तरह से जबकि जो है जो अधिकारी हैं वन विभाग के, जो प्रभारी वन अधिकारी हैं या जो रेंजर्स होते हैं वन विभाग के या फॉरेस्टर्स होते हैं या जो वन दरोगा होते हैं वो लगातार ये दावा करते हैं कि उनके यहाँ कटान नहीं हो रहा है, जबकि बलरामपुर पुलिस पर भी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह से कटान को रोका जाए, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो कहाँ तक निभाई जा पा रही है इस तरह के जो विजुअल्स आते हैं उस पर आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि लगातार वन माफिया है वो लगातार जो है जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं और जो अमूल संपदा है, जो प्राकृतिक संपदा है उसको, उस धरोहर को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पे पेड़ की कटाई दिखाई दे रही है तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है, और कितने यहाँ पर पेड़ अभी तक काट दिए गए हैं और इन लोगों पर कितने कार्रवाई अभी तक की गई है?
ये दरअसल इसकी गिनती नहीं की जा सकती है क्योंकि जंगल बहुत बृहद है, 450 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो बहुत बड़ा जंगल है। लेकिन जब आप जंगल में घुसते हैं तो आपको पेड़ के जो भूस होते हैं वो दिखाई देते हैं कटे हुए, और अवैध रूप से जो निजी भूमि पर भी पेड़ लगाए जाते हैं उनको भी काटा जाता है, और वन के अधिकारी जो है वो लगातार केवल उन्हें जुर्माना करके छोड़ दिया करते हैं, जबकि जेल भेजने की या उन्हें दंडित करने की जो कड़ा दंड का प्राविधान है वन अधिनियम के तहत, उसके तहत दंड करने की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। खैर, बलरामपुर पुलिस इस बीच कुछ तेजी दिखाई है, जिस कटान पर जो रोक लगाने के लिए उसने कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नाकाफी साबित हो रहा है क्योंकि जो बड़े पैमाने पर वन कटान हो रहा है और वो नुकसान पहुंचा रहा है प्राकृतिक संपदा को। जी योगेंद्र, ये भी बताया जा रहा है कि ट्रॉली पर जो लकड़ी है वो लादते हैं उसके बाद लेकर जाते हैं, और इन पर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है, तो आगे की कुछ कार्रवाई रह सकती है संभावना, इसकी आपको क्या लग रही है? बिल्कुल, कार्रवाई की जाती है लेकिन कम की जाती है। वन माफियाओं का कमर तोड़ना है अगर, तो उनके जो वन कटान के एरिया है वहां पर लगातार जो है आपको फॉरेस्टिंग करनी होगी, वहां पर आपको लगातार अपनी पहुंच बनानी होगी ताकि जब जंगल कटे और जो इनका सूचना तंत्र है वन विभाग और पुलिस विभाग का, उसको मजबूत करना होगा। अगर ये नहीं मजबूत होगा तो वन माफिया लगातार ऐसे ही फलते फूलते रहेंगे, उन्हें किसी का डर नहीं है, क्योंकि वन अधिनियम में एक प्राविधान ये भी है कि वो जंगल का पेड़ काटे तब तो उन्हें नुकसान हो सकता है, यानी कि उन्हें सजा हो सकती है, लेकिन अगर निजी भूमि पर खड़े वो पेड़ काटते हैं तो महज उन्हें जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है। तो ये इस तरह से जो दिक्कतें हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। हरदोई के घंटाघर रानी विक्टोरिया हॉल में वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सामूहिक विवाह संस्कार का आयोजन किया गया, और इस विवाह संस्कार में 40 जोड़ों की शादी के पवित्र बंधन में बंधे, जिनमें से 36 हिंदू जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं, वहीं 7 मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह करवाया गया है। वारदात चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार 22 सालों से इस तरह के आयोजन हरदोई शहर में करा रहा है, जिसमें शहर से कोई भी डोनेशन नहीं ली जाती है, और पिछले कई सालों से हर साल सामूहिक विवाह का आयोजन करने वाले वरदान ट्रस्ट द्वारा इस बार भी इस कार्यक्रम में आयोजन किया गया। समारोह घंटा घर परिसर के विक्टोरिया हॉल में हुआ, जहाँ कन्याओं के परिजन आए और वर पक्षों के लिए जनवासा गांधी भवन में बनाया गया। इस समारोह में 40 जोड़ों में 7 जोड़े मुस्लिम थे, जिनका निकाह काजी द्वारा संपन्न कराया गया। ये ट्रस्ट की ओर से भोजन नाश्ते के साथ ही नवन दंपतियों के उपहारों की व्यवस्था की गई, और ये ट्रस्ट अपने सीमित साधनों से सामूहिक विवाह संस्कार संपन्न कराता है, और वर वधु को यथोचित उपहार भी प्रदान किया जाता है। ये क्या कार्यक्रम होता है वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट का, और क्या उद्देश्य है आपकी संस्था का? ये वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट हमारे स्वर्गीय पिताजी ने स्थापित 22 साल पहले किया था, और इसमें उनको ये लगा था कि जो गरीब परिवार होते हैं वो अपनी शादी ठीक से संपन्न नहीं करा पाते, और एक माता पिता के लिए बिटिया की शादी सम्मानजनक हो जाए समाज के सम्मुख से बड़ी बात नहीं होती है, तो उसी भाव से हमने इस ट्रस्ट की स्थापना रखी थी। और इस ट्रस्ट में 2-3 चीज़ें हमने हमेशा से, हम लोग आज तक जब तक वो रहे तो उनने किया, और जब से मैं प्रबंध न्यासी पिछले साल से बना, हम लोगों का 2 चीज़ें थी, एक तो सर्व जाति और सर्व धर्म संभाव, और दूसरा सरकार से कोई भी डोनेशन नहीं लेना है किसी तरीके। बिजनौर के किरतपुर क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और बच्ची जंगल चारा लेने गई थी, और इसी दौरान आरोपी युवक ने उसे बुरी नीयत से दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। थाना किरतपुर पर कल एक व्यक्ति ने एक सूचना दी कि उसकी नाबालिग पुत्री जो चारा लेने गई थी जंगल में, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके
अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जाने की कार्यवाही प्रचलित है। बस्ती जिले के बड़हर कला गांव के पास NH 28 के किनारे खेत में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। युवक के गले में गमछा लिपटा था और वहीं सर और हाथ में चोट के निशान थे। घटना स्थल के पास से ही शव को घसीटने का भी निशान मिला है। शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से सबूत जो है वो जुटा लिए हैं। शव के कपड़ों की जेब से एक आधार कार्ड मिला है जिस पर नाम जो है वो नरेश निषाद लिखा हुआ है। आधार कार्ड पर अयोध्या के राम हाल्ट का पता लिखा हुआ है। मामले को लेकर CO शेषमणि उपाध्याय ने बताया है कि मामला हत्या का लग रहा है और गले में गमछा लपेटकर शव को घसीटा गया और सर और हाथ पर चोट के निशान मिले हैं। आधार कार्ड पर मिले नाम और पता के जरिए पुलिस मृतक की पहचान में जुट गई है। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। जल्द ही इस घटना का भी खुलासा कर दिया जाएगा। अरे बड़हर कला गांव के पास में जो हाईवे है उसकी दक्षिणी लेन पर खेतों में एक डेड बॉडी मिली है, लगभग 25-30 वर्षीय युवक की। और इसमें मौके पर थाना हरैया की पुलिस पहुंची हुई है, मैं भी मौके पर ही हूँ। और इसमें अभी जो जानकारी इसके पास से इसके तलाशी के दौरान एक आधार कार्ड मिला है जिसमें राम नरेश निषाद पुत्र जग्गी निषाद निवासी रामघाट हाल्ट वासुदेव धार अयोध्या फैजाबाद का पता पाया गया है। तो उस पते पर भी हम लोग इसमें आगे और कार्रवाई कर रहे हैं, बातचीत की जा रही है। प्रथम दृष्टया सर क्या लग रहा है, उसके शरीर पर चोट के भी निशान पाए गए? प्रथम दृष्टया इसके गले में भी एक सफ़ेद कलर का गमछा बंधा हुआ है और सर पर और दाहिने हाथ में चोट के निशान हैं और घसीटा भी गया है इसको। लग रहा है प्रथम दृष्टया तो ये हत्या का मामला ही दिखाई पड़ रहा है। तो बस्ती से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें आपको कि खेत में शव मिला है जिसके बाद इलाके में पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बस्ती जिले के ही बड़हर कला गांव के पास ये खेत में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा है। युवक के गले में गमछा लिपटा था, वहीं सर और हाथ में चोट के निशान भी लगे हुए हैं। बता दें आपको कि घटनास्थल के पास शव को घसीटने का भी निशान मिला है। शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और साथ ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जो है वो जुटाए हैं। शव के कपड़े की जेब से भी एक आधार कार्ड मिला है जिस पर नाम जो है वो नरेश निषाद बताया जा रहा है। आधार कार्ड पर अयोध्या के राम हाल्ट का पता लिखा हुआ है। मामले को लेकर CO शेषमणि उपाध्याय ने बताया है कि मामला हत्या का लग रहा है और गले में गमछा लपेटकर शव को घसीटा गया है और सर और हाथ पर चोट के निशान भी मिले हैं। आधार कार्ड पर मिले नाम और पता के जरिए पुलिस मृतक युवक की पहचान में जुटी हुई है। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले पर खुलासा भी कर दिया जाएगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवक का शव जो है वो खेत में पड़ा हुआ है और वहीं पर जब घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और ग्रामीण भी वहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को इस शव के बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं है। पुलिस के द्वारा पूछे गए सवाल पर ग्रामीणों ने कहा है कि उन्हें इस पूरे मामले पर अभी कोई जानकारी नहीं है। वहीं बस्ती में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है जहां अनियंत्रित SUV ने बाइक और साइकिल सवार को टक्कर मार दी है जिसके कारण मौके पर ही बाइक और साइकिल सवार की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण कार डिवाइजर से टकरा कर पलट गई जिसके कारण कार का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। कार चालक को लखनऊ रेफर किया गया है। हादसा जो है वो गोरखपुर से लखनऊ जाते समय हुआ है। तो बस्ती से आपको खबर बता रहे हैं जहाँ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है।
बस्ती में आपको बता दें तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। लगातार तेज रफ्तार के कारण कई हादसे होने की खबरें सामने आती हैं। वहीं बस्ती में भी एक खबर सामने आई जहां पर दो लोगों की मौत का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस्ती में तेज रफ्तार के चलते दो लोगों की मौत हो गई है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि अनियंत्रित एसयूवी ने बाइक और साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके कारण मौके पर ही बाइक और साइकिल सवार की मौत हो गई है। कहा यह भी जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण कार डिवाइजर से टकरा कर पलट गई और जिसके कारण कार का जो चालक था वो गंभीर रूप से घायल भी हो गया। कार चालक को लखनऊ रेफर कर दिया गया जहाँ पर उसके मौत बताई जा रही है। और हादसा जो है वो गोरखपुर से लखनऊ जाते समय हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।